देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी सभी बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पटना के फुलवारी शरीफ ब्लॉक के रहने वाले लोग यहाँ के गुंडे और अपराधी तक भी आभा देवी के नाम से कांपते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आभा देवी इस पंचायत की मुखिया हैं, जिन्हें लोग रिवॉल्वर रानी और लेडी सिंघम के नाम से भी पहचानते हैं। इसी वजह से उनकी कमर पर हमेशा पिस्टल बंधी रहती है। आभा देवी इकलौती बिहार पंचायत की ऐसी महिला मुखिया हैं जो कमर पर पिस्टल बांधकर चलती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पंचायत के विकास संबंधी काम करवाती हैं तो परेशानी होती है, कई लोग दखलंदाजी करते हैं और धमकियां देते हैं। इन सब मामलों से आभा देवी ने परेशान होकर पिस्टल ही रखना शुरू कर दिया। आभा ने बताया कि साल 2016 में उन्हें आर्म लाइसेंस मिला। इस पिस्टल को उन्होंने 1.36 लाख रुपए में खरीदा था, जो एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी है। आभा देवी 4 बच्चों की माँ है। जब वो घर में होती हैं तब वो एक शांत और विनम्र गृहिणी होती हैं, लेकिन घर से बाहर होती हैं तो वह गुंडे और अपराधी भी उनसे जान बचाते फिरते हैं। इस पर उनका कहना है कि बाहरी दुनिया घर से बहुत अलग है। मुझे गांव वालों के कल्याण, अपराधियों और गुंडों से दूर रखने के लिए ऐसा रुख अपनाना पड़ता है। आभा देवी ने खुद के लिए पिस्टल खरीदने से पहले अपने पिता पति राम अयोध्या शर्मा की पिस्टल पर प्रैक्टिस की थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अब मैं अपने पति से तेज गोली चला सकती हूँ। गांव वालों ने बताया कि आभा देवी ने गांव के लिए कई सारे विकास कार्य करवाए हैं।